नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं दालमा। देखिए, तो चलिए देखते हैं दालमा में क्या क्या लगता है। देखिए दोस्तों, दालमा बनाने के लिए हमने दाल ले लिया है, चना और रहर का दाल है ये। देखिए दोस्तों, हमने धो के अच्छे से दाल को, उसमें पानी थोड़ा सा ले लिया है और इसको हम गैस पे चढ़ा दिए हैं। देखिए डेक्ची को, इसमें डालेंगे हम हल्दी, नमक भी डाल देंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये सब्जी है मखना, बैंगन और ये है बरबट्टी, फूल गोभी लिए हैं, दो तीन आलू ले लिए हैं छोटा छोटा, यहाँ टमाटर है, हरा मिर्च है। चलिए सब्जी को काट लेते हैं सबको। तरीके से हमें छोटा छोटा करके सब्जी काट लेना है, सभी सब्जी को। इसे हम धो लेते हैं अच्छे से। देखिए दोस्तों, अब सब्जी को डाल देते हैं इसमें डेक्ची में। उबाल आ गया है दाल में। देखिए दोस्तों, टमाटर और मिर्ची को भी हम डाल देते हैं साथ में ही। और ये धीरे धीरे पकेगा सब्जी। चलिए दोस्तों, मसाला को तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारे पास साबुत धनिया है, इसको हल्का सा हम भून लेंगे। फटाफट से हम इसे भून के निकाल लेंगे दोस्तों, ज्यादा नहीं जलाना है इसे। अब इसमें हम जीरा डालेंगे, इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए जीरा भी चटक गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। और इसमें जाएगा हमारा तीन चार सूखा मिर्चा और काली मिर्च है, इसमें लौंग है और दो इलायची, इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। भून गया है दोस्तों, देखिए इसमें मिला लेते हैं। सभी मसालों को हम ठंडा कर लेंगे, फैला देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर इसे हम मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा ठंडा हो गया है मसाला, अब इसे हम जार में पीस लेते हैं। थोड़ा हम दरदरा ही रखेंगे। देखिए पीस के रेडी हो गया हमारा। देखिए इसे दरदरा रहना चाहिए, इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला पीस के रेडी हो चुका है। चलिए देखते हैं हमारा दालमा कितना पका है। देखिए दोस्तों,
दिया और इसको पकाना है हमें। बहुत पतला है ग्रेवी इसका और पकेगा ये। उसके बाद हम मसाले को डालेंगे, सीधे ही ढक के पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा हो गया है डालमा। ये देखिए गल गया है बढ़िया से, देख सकते हैं आप। अब हम मसाले को डालेंगे। जब डालमा गल जाए सभी मसाले को डालेंगे, क्योंकि मसाला हमारा भुनाया है तो ऊपर से ही डालना होता है दोस्तों। इसे हम चला के ढक देंगे और गैस को बंद कर देंगे। देखिए मसाले को डाल के हमें बंद कर देना है गैस को, पक जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों दालमा को थोड़ा हम छोंक देते हैं, तड़का दे देते हैं उसमें। तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है सरसों, दो लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग। इसे हम तोड़ लेते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है थोड़ा सा कड़ी पत्ता। देखिए कड़ी पत्ता को थोड़ा तोड़ देंगे। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। हम इसे ढकने देंगे। देखिए दोस्तों हमारा तड़का जल गया है। इसे छौंक देंगे इसमें। देखिए तब इसे हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा डालमा बनके रेडी है। चलिए सर्व करके दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं उड़ीसा का फेमस डालमा। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।